उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हो गया और ये बवाल इतना बढ़ा कि दो लोगों की मौत हो गई है। संभल के एसपी ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की है और जब पथराव किया गया ये भारी बवाल मचा। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको ये देखिए, सर्वे के दौरान इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। गलियों में जगह जगह पथराव हुआ है। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल एडवोकेट कमिश्नर, डीएम और एसपी के साथ सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची थी और इसी के बाद धर्म विशेष के लोग मस्जिद के बाहर एकजुट हो गए। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने की मांग कर रही थी और पुलिस उन्हें रोक रही थी। यहीं से विवाद शुरू हुआ। भीड़ ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब हालात में काबू होता देख डीआईजी मुरादाबाद भी मौके पर पहुंच गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से संभल में यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से शांति व्यवस्था को बेकार करने का काम किया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े। बवाल इतना बढ़ गया कि दो लोगों की मौत हुई है। गली गली में आप देखिए किस तरह से आगजनी की गई है, पत्थरबाजी की गई है। दरअसल जामा मस्जिद के सर्वे के लिए यहाँ पर एडवोकेट कमिश्नर, एसपी और डीएम पहुंचे हुए थे और उसी दौरान धर्म विशेष के पूरे लोग एकजुट इकट्ठा हुए वहां पर और उसके बाद मस्जिद के अंदर जाने की मांग करने लगे और जब उन्हें रोका गया तो ये भीड़ इतनी उग्र हो गई कि इन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बवाल में दो लोगों की मौत हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की बवाल तस्वीरें क्यों आती हैं। संभल एसपी ने दो लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है और इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई है या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तस्वीरें विचलित करने वाली है क्योंकि आए दिन ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की बवाल की तस्वीरें बेहद आम हो चली है। धर्म विशेष के लोग आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मियों के ऊपर हावी होते हुए नजर आए और उसके बाद यहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ा। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और पत्थरबाजी की गई है जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दरअसल जामा मस्जिद के सर्वे के लिए यहाँ पर एक टीम पहुंची थी और उसी दौरान मस्जिद के अंदर धर्म विशेष समुदाय घुसने की कोशिश करने लगा। भारी भीड़ वहां पर उनकी एकत्रित हो गई और जब उन्हें रोका गया तो आप देखिए किस तरह से इस उग्र भीड़ ने यहां पर तबाही मचाई। यहां पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई, पुलिसकर्मियों को खदेड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद आप देखिए किस तरह से यहां पर मोर्चा संभाला है पुलिस की टीम ने। आसपास के जितने भी थाने थे पुलिस फोर्स वहां से बुलाई गई और उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से यहां पर पत्थरबाजी की जा रही है। दो लोगों की मौत हुई, ये बवाल इतना बढ़ गया है। हालांकि इस पूरे बवाल के बाद काफी सियासत भी हो रही है। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल की तस्वीरें आप देखिए जिसमें दो लोगों की मौत हुई है। पुलिस को उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। एडवोकेट कमिश्नर, डीएम और एसपी टीम के साथ यहां पर सर्वे करने के लिए पहुंचे हुए थे कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन ये सर्वे के बाद कितना यहां पर बवाल हुआ है। सर्वे से पहले ही आप देखिए ये बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और अब जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद माना जा रहा है कि इन उपद्रवियों में से और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का तो दोबारा सर्वे क्यों कराई सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। ये जो संभल में हुआ है बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराए जिससे कि
ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपने तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं। वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है।